बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस विभाग अभी से सतर्क हो गया है। इस बार 5 करोड़ कांवड़ यात्रियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने इस बार कांवड़ यात्रियों के लिए भी नियम सख्त किए हैं। कोई भी कांवड़ यात्री 7 फीट से ऊंची कांवड़ नहीं ला पाएगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में बजने वाले डीजे की आवाज भी एक सीमा में रखनी होगी। कांवड़ यात्रियों को अपने साथ परिचय पत्र भी रखना होगा। यात्रा के व्यवस्थित और सुरक्षित संचालन के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 कंपनियां बुलाई गई है। इसके साथ ही 12 कंपनी सशस्त्र बल की तैनात रहेंगी। कांवड़ यात्रा 7,000 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की निगरानी में होगी। इसके अलावा पूरी यात्रा का ड्रोन से निगरानी की जाएगी। कांवड़ ड्यूटी में शामिल पुलिस बल 19 जुलाई को ही तैनात हो जाएगा। पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र को 14 सुपर जोन, 36 जोन और 130 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर आतंकी घटना का खतरा बना रहता है। ऐसे में उत्तराखंड के सभी रेलवे स्टेशन खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश में जीआरपी व आरपीएफ जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कुमाऊं के सभी रेलवे स्टेशनों से जीआरपी व आरपीएफ जवानों की ड्यूटी हरिद्वार व ऋषिकेश में लगाई गई है। पिछले दिनों पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय व अंतर इकाई समन्वय बैठक हो चुकी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सीआरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, अभिसूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। हरिद्वार में कंट्रोल रूम बनाकर सभी राज्यों के अधिकारी उत्तराखंड से समन्वय बना रहे हैं। अंतर्राज्यीय बैरियर व चेक पोस्ट चिड़ियापुर, नारसन, लखनौता, काली नदी एवं गोवर्धन चेक पोस्ट पर पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त चेकिंग शुरू हो चुकी है।